Hello friends, this is Monica Agarwal from Divine Center Patova Spirituality. तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए सबसे पहले, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में। तो आप लोगों को पिक ए कार्ड रीडिंग्स काफ़ी पसंद आ रही हैं। मैंने एक पॉल भी डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि किस तरह का सेटअप आप लोगों को ज़्यादा कम्फर्टेबल या अट्रैक्टिव लग रहा है, तो हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। आज की जो पिक अ कार्ड रीडिंग है वो हमारी अक्टूबर के महीने के लिए, यानी कि 2019 अक्टूबर कैसा रहेगा उसके ऊपर है। तो नॉर्मली हम लोग ना सन साइंस के अकॉर्डिंगली रीडिंग्स करते हैं या फिर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली करते हैं, लेकिन आज हम इसमें पिक के कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। यानी कि आपने आईज क्लोज करके दो चार गहरी सांसें लेनी है, छोड़नी है, और फिर इन तीन पाइल्स मैंने सिलेक्ट करी है, उन तीनों पाइल्स में से एक पाइल को आपने सिलेक्ट करना है और उस पाइल की रीडिंग पे जाकर आप जान सकते हैं कि अक्टूबर महीना आपका कैसा रहेगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स पसंद आ रही होंगी। मैं हिंदी में इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि हिंदी की रीडिंग्स की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में बनाऊँ, इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक दीज रीडिंग्स इन इंग्लिश एज वेल, देन प्लीज डू कमेंट दैट यू वॉन्ट इंग्लिश रीडिंग्स। और अगर मेजॉरिटी हुई या एक एम्पल नंबर ऑफ क्लाइंट्स हुए जो इंग्लिश में चाहते हैं, तो मैं इन रीडिंग्स को इंग्लिश में भी बनाऊंगी। अभी मेरे को हिंदी रीडिंग्स का काफी रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए हम हिंदी में ज्यादा बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं इस कैमरे को टर्न अराउंड कर दूंगी कार्ड्स के ऊपर, ताकि आप उन रीडिंग्स को अच्छे से सुनने के साथ साथ देख भी पाए कार्ड्स को। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये हैं तीन पाइल्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया अक्टूबर 2019 हमारा कैसा जाएगा, आपको इनमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है, पाइल वन, पाइल टू, पाइल थ्री। जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पाइल आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाकर, अपने पाइल पे जाकर आप अक्टूबर 2019 कैसा जाएगा वो जान सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। तो चलिए अब हम जानेंगे कि पाइल वन का रीडिंग क्या कहता है। सो पाइल वन का अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा उसमें हम देख लेते हैं। मुझे नजर आ रहे हैं कुछ हेल्थ इश्यूज आपके क्रॉप अप हो सकते हैं। अगर कुछ पुराने हेल्थ इश्यूज आपके रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को डिसिप्लिन में रखने के लिए। लाइक अगर आपको शुगर कंट्रोल करना है या एक्सरसाइज करनी है या मॉर्निंग वॉक्स करनी है, तो वो उसमें आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कोई पुराने हेल्थ इश्यूज आपके क्रॉप अप हो सकते हैं जिनसे आप पीछे बाल बाल बचे हैं, और अब दोबारा वो चीज आपके अपनी लापरवाही की वजह से, किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल इसमें इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि डिसिप्लिन में रहिए, अपने खाने पीने पे कंट्रोल करिए, मॉर्निंग वॉक्स लीजिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ डिप्रेशन या इस तरह के एनर्जीज आपको घेर रहे हैं, तो आप रेकी सीख सकते हैं। रेकी क्लासेस अवेलेबल होती हैं, वो डिटेल्स आपको दूसरे वीडियोस में मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर रिलेशनशिप का देखूं, तो जिन्होंने भी पाइल वन सेलेक्ट करा है रीसेंट पास्ट में, उनको रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, या तो उन्होंने बिट्रेयल फेस करा है, या जो वो अपने पार्टनर से चाहते हैं वो एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप आइदर ब्रेक हो चुका है या ब्रेक होने के कगार पे है। तो मेरे को अक्टूबर के महीने में ये दिख रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है जो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करेगा आपके करंट रिलेशनशिप चलता है या नहीं चलता है। आप कैसे उसके साथ अपना रैपो बनाते हैं, कैसे आपके साथ उसका कम्युनिकेशन होता है, और आप अपने आप को कितना संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते, इस पे आपके करंट रिलेशनशिप का फ्यूचर बेस करता है। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, यानी कि अगर आप मैरिड हैं
तो आप लोगों के लिए वार्निंग है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ना पड़ें, क्योंकि वो रिलेशनशिप सिर्फ टेम्पररी होगा, आपकी लाइफ में टर्मोइल्स ला सकता है और डिसबैलेंसमेंट ला सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं और कोई ब्रेकअप हुआ है या किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में, तो आपके लिए एडवाइस है कि आप उस रिलेशनशिप से निकल जाएं, क्योंकि जो भी इंसान अनमैरिड लोगों के लाइफ में नया आने वाला है, वो अपने सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके एक तरह से आपका सोलमेट है जो आपको मिलने वाला है। नॉट फॉर द मैरिड पीपल, फॉर द अनमैरिड पीपल, दोज हु हैव सिलेक्टेड द पाइल वन। बैलेंसमेंट में मुझे बहुत प्रॉब्लम नजर आ रही है, यानी कि आपका माइंड इस समय बहुत वेवर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, जो जैसा बोलता है, अगर थोड़ा सा भी कोई कन्विंस करता है तो आप कन्विंस हो जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद उसकी बातें भूल जाते हैं, फिर अपने मोड में आ जाते हैं। तो आपको एक रेगुलर एडवाइस की, मेंटरिंग की और कंसल्टेशन की ज़रूरत है, कोई एक ऐसे इंसान की जो स्पिरिचुअल हो या कोई एल्डरली हो, जो आपको मेंटोर कर सके, आपको डेली मोटिवेट कर सके और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं उसने आपके कॉन्फिडेंस को और अपने पे से ट्रस्ट को हिला दिया है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को हर चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं, जो कि एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट रहें और अपने आप पे विश्वास करें, जो आपकी अपने हिडन कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट हैं उनको निकाल कर लाएं, करियर पे फोकस करें। देखिए, किसी एक इंसान के कहने से कि आप अच्छी नहीं हैं या आप टैलेंटेड नहीं हैं, आप वो सच नहीं बन जाएगा। वो सच तभी बनेगा जब आप उसे मान लेंगे। अगर आप उसे नहीं मानेंगे तो वो सच नहीं बनेगा। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो चलिए देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज लेकर आ रही हैं आपके लिए। एंजल्स अगेन सेम मैसेज दे रही हैं कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है। अगर करियर को लेके परेशान है तो करियर में आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। अगर रिलेशनशिप को लेके परेशान है तो रिलेशनशिप में किसी नए इंसान की एंट्री होगी। गिव अप नहीं करना है। जो भी आपने अपनी लाइफ में बनाया है, चाहे आपका रुतबा है, चाहे आपकी स्टडीज हैं, चाहे आपका रिस्पेक्ट है, उसको बचा के रखना है। दूसरों के पुल डाउन करने से आपको अपने आप को नीचे नहीं लेकर आना है, और ऐसे लोगों से खास करके दूर रहना है जो आपकी ग्रोथ में तो कंट्रीब्यूट नहीं करते, उल्टा जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो आपको नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो उनका ये महीना काफी अच्छा जाएगा। चलिए अब हम जाएंगे पाइल टू पे। टू जिन्होंने सिलेक्ट करा है, उनका अक्टूबर का मंथ कैसा जाएगा देखिए, ये देखते हैं। देखिए, अक्टूबर के महीने में करियर में तो आपका ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप बिजनेस में, बहुत सारे बिजनेस डील्स आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली फॉरेन बिजनेस डील्स आपको मिल सकते हैं या ऑनलाइन बिजनेस डील्स। आप कोई भी चीज में हैं सॉरी, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, सामान बेचते हैं या कोई ट्रेनिंग्स देते हैं या कोई कंसल्टेंसी देते हैं, आपका ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा। इनफैक्ट फॉरेन फेवर्स आपको मिल सकते हैं सॉरी, गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है कोई बाहर से, मतलब हो सकता है कि आपके जहां आप रहते हैं वहां से, दूर से, खास करके इंडिया में है तो फॉरेन में है तो जो भी दूसरी कंट्री आपके लिए फॉरेन होता है, कहीं दूर से आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है इन रिस्पेक्ट टू द करियर, इन रिस्पेक्ट टू द बिजनेस एनहांसमेंट एंड इन रिस्पेक्ट टू द मनी। आपके लाइफ में कोई एक ऐसा लेडी है जो बहुत पावरफुल है, यानी कि उनकी एनर्जीज बहुत पावरफुल हैं, उनकी एडवाइसेस बहुत पावरफुल हैं, लेकिन वो सीक्रेटिव भी हैं, वो अपने सीक्रेट्स बहुत आसानी से नहीं बताती हैं। हाँ, लेकिन आप उनमें कन्फाइड इन कर सकते हैं, यानी कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि अगर आप अपने आप को उनके प्रति ओपन नहीं करेंगे, आप खुद से जाकर उनसे एडवाइस नहीं लेंगे तो वो नहीं देंगी आपको एडवाइस, लेकिन अगर आप खुद से जाके एक कोशिश करते हैं उनसे एडवाइस लेने की, तो वो आपको अच्छी एडवाइस देंगी जो आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छी रह सकती है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि
किसी भी रीजन की वजह से आपने ना अपने आप को बांध लिया, यानी कि ईगो में या स्टबननेस में कहीं ना कहीं आप बंधे हुए हैं कि मैं क्यों पहल करूं, अगला क्यों ना पहल करे। ये सब चीज़ें रिलेशनशिप्स में नहीं देखी जा सकती हैं। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा अगला बंदा सोच ही ना रहा हो, वो किसी काम में बिजी हो, या उसका रिजर्व नेचर हो, या उसका उसके ध्यान में आप हो ही ना, उसके जहन में आप हो ही ना, और आपने एक एजम्पशन बना लिया है कि भाई मैं क्यों पहले जाऊं, अगला बंदा पहले आए। खास करके मैं देख पा रही हूँ कि एल्डरली लोगों की तरफ से आपके रिलेशंस ऐसे हो रहे हैं, तो बड़ों के आगे तो वैसे भी कोई ईगो नहीं रखना चाहिए। तो मेरी आपको सजेशन है कि ऐसा कोई भी इंसान आपकी लाइफ में है तो पहल करिए, उनसे रैपो बनाइए, उनकी सलाह से काम करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और सिर्फ फ़ायदे के लिए नहीं, एक रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम्स मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। अगर कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या हेल्थ या रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का अंत शुरू हो जाएगा होना अक्टूबर में। ऐसा तो नहीं होता है कि रातों रात कोई जादू हो जाए, लेकिन अक्टूबर का महीना आपका आपको अपने प्रॉब्लम्स एंड होते और उनके सॉल्यूशंस मिलते दिखाई देंगे। एंजल्स देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कह रही हैं। एंजल्स कह रही हैं कि विक्ट्री है, गुड न्यूज़ है, पब्लिक रिकॉग्निशन या कोई अवार्ड मिल सकता है, यानी कि जो काम आपने अभी तक करा है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, उसका अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपकी जीत होगी। और एक सजेशन आपको वो दे रही है कि चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करिए। कोई भी चीज़ अगर टेम्परेरी स्टैंड स्टिल आता है, कुछ देर के लिए रुकती है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक हो जाएं सीधा। और हर चीज़ का इलाज जादू नहीं होता है, कुछ चीज़ें हमें अपने कर्मों के अकॉर्डिंगली खुद भी फाइट अप बैक करने पड़ते। अगर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरों के ऊपर या इस चीज के ऊपर कि आपके प्रॉब्लम्स को कोई दूसरा आके सॉल्व करे, तो आपके लिए फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। अपने आप में रहिए, जैसे आप हैं वैसे रहिए, खुद को बदलिए मत, लेकिन खुद में थोड़ा सा चेंज लाइए, पॉजिटिविटी लाइए। अवेकनिंग का कार्ड आ रहा है तो वो यही बताता है कि आपको थोड़ा सा चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। एकदम से पैनिक नहीं होना किसी भी चीज में, और उसका मतलब आराम से उसको ऑब्जर्व करिए, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थ्री सिलेक्ट करा है, उनके लिए देखते हैं कि नवंबर का महीना कैसा जाएगा, सॉरी अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। आई एम सो सॉरी, दिस इज फॉर अक्टूबर 2019 जिन्होंने पाइल सिलेक्ट करा है। तो अक्टूबर में मैं देख पा रही हूँ कि आपने कुछ कन्वर्सेशंस, कुछ मीटिंग्स पास्ट में करे हैं कुछ महीनों में, उनके रिजल्ट्स आपको आते दिखाई देंगे। अगर ये बिजनेस से रिलेटेड है तो बिजनेस में आपने जितने भी मीटिंग्स पास्ट में करे हैं या एफर्ट्स डाले हैं, वो मीटिंग्स अब मेटलाइज होंगे, आपको वो डील्स मिल जाएंगे। अगर ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो मैरिज के कार्ड्स आ रहे हैं, मैरिज की बातचीत आपकी चल सकती है, आपके घर में आपके लिए शादी रिश्ते की बातें चल सकती हैं, जो चीज आपके लिए ठीक होगी वो आपको मिलेगी। हम मनी और प्रॉस्पेरिटी की जहां बात कर रहे हैं, जहां की हम करियर की बात कर रहे हैं, तो मैं देख पा रही हूँ करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, खासकर कि अगर आप लॉ प्रोफेशन में हैं या किसी कॉर्पोरेट लॉ या किसी लीगल चीजों से डील करते हैं, चाहे वो सीए हो, अकाउंटेंसी हो, लॉ प्रोफेशन हो या कोई भी लीगल प्रोफेशन हो, उन लोगों का बूस्ट इस महीने बहुत हाई जाने वाला है। और खासकर कि जो सर्विस में है, सर्विस इन द सेंस कि जॉब में नहीं, जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, यानी कि किसी भी तरह का अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या सर्विसिंग प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। कुछ नए लोग आपसे मिलेंगे, कुछ नए डील्स की शुरुआत होगी, वो मेटलाइज हो या ना हो, कुछ इवेंट्स आपको मिल सकते हैं, कुछ बिजनेस डील्स मिल सकते हैं, कुछ पुराने लोग जिनसे आपकी कभी बात हुई हो वो मेटलाइज हो सकते हैं। जॉब में जो लोग हैं उनका जो टाइम है वो एज यूजुअल अच्छा जाएगा, उनके सीनियर्स उनसे अच्छे होंगे और प्रमोशन के लिए उनको रिकमेंडेशन भी मिलेगा। तो कुल मिला के करियर और रिलेशनशिप में ये पूरा महीना जिन्होंने पाइल थ्री सिलेक्ट करा है बहुत अच्छा जाने वाला है। यहाँ जहां मैं मेंशन कर रही हूँ शादी की बातचीत,
जरूरी नहीं है कि अगर आप एक किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो उसी से आपकी शादी हो, लेकिन जिससे जो आपके लिए बना है, जो आपका सोलमेट है, वो आपको टकराएगा अरेंज के थ्रू, लव मैरिज के थ्रू नहीं, अरेंज मैरिज के थ्रू, यानी कि किसी के जरिए वो आपको मिलेगा, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड रिकमेंड करेगा आपके पेरेंट्स को और आपके पेरेंट्स उससे आपको मिलवाएंगे। तो इसलिए ओपन रहिए। इवन अगर आप लव रिलेशनशिप में भी हैं तो कम मिलने में कुछ नहीं जाता है, कोई आपको जबरदस्ती शादी नहीं कर लेगा, लेकिन मिलिए जरूर ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि जो लव रिलेशनशिप आपका अभी है वो आपके लिए मेंट करता है या आपका रियल सोलमेट आपको जब मिलेगा वो आपके लिए मेंट करता है। एंजल्स क्या कह रही है? एंजल्स भी सॉरी देखिए, एक कमाल की बात है, जब हम प्रॉपर एनर्जी से कनेक्ट करके निकालते हैं तो आप देखिए कार्ड्स की जो रीडिंग्स होती है, जो एंजल्स के मैसेजेस होते हैं, वो मैच कर रहे हैं। तीनों पाइल्स में आपने देखा होगा। एंजल्स कह रही है सीड्स वेल प्लांटेड, टेम्पररी पॉज इन एक्शन एंड अननेसेसरी वरी। मतलब आप टेम्पररी एक पॉज था, जो भी आपने पीछे करा था, आपको अननेसेसरी चिंताएं हो रही थी, मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, ये होगा नहीं होगा, लेकिन जो भी आपने बीज बोए थे यानी कि जो एफर्ट्स करे थे वो बहुत अच्छे करे थे और उसका टाइम अप आ चुका है और आपके सामने काफी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसको कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करना है, सोचना नहीं है दो बार, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि वो ही आपको आगे लेके जाएंगे। आपका सक्सेसफुल टाइम अप शुरू हो चुका है और आपको ऐसा फील होगा जैसे ना सब कुछ एकदम मैजिकल हो रहा है लाइफ में, एकदम से सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो गए, कुछ मैजिकल चीजें होंगी आपकी लाइफ में जो आपको एक मैजिक की तरह रहेगा। मतलब पीछे मुड़के आप देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये हुआ था, ऐसे हुआ था, मैं इस इंसान से मिली थी स्ट्रेंजर की तरह और कैसे वो इंसान आपका दोस्त बन गया या उसने आपको हेल्प मिली या आप आउट ऑफ द वे उठ के कोई आएगा जो आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में अक्टूबर के महीने में हो सकती है। तो ये था पाइल थ्री की रीडिंग्स। आई होप आप लोगों को रीडिंग्स पसंद आई हों और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो वो पेड होते हैं, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टाइम स्टैम्प भी दे रखा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है और मेरे सोशल मीडिया के एड्रेसेस भी दे रखे हैं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।